आईएएस वीक के तहत उत्तराखंड के आईएएस अधिकारियों का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने शिरकत की। सम्मेलन में उत्तराखंड कैडर के सभी आईएएस अधिकारी भाग ले रहे हैं। सम्मेलन के प्रथम सत्र में प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों और अन्य कार्यक्रमों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। पहले दिन के सत्र में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि नवंबर में राज्य स्थापना के 20 साल पूरे होने जा रहे हैं। उत्तराखंड ने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया। राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। गवर्नेंस इंडेक्स में उत्तराखंड हिमालय और पर्वतीय राज्यों में दूसरा स्थान है, जबकि ऑल इंडिया रैंकिंग में 10वें स्थान पर है। जैसा कि हम लोगों ने पहले आपको बताया था कि ये वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मेलन है और इसमें राज्य हित में कौन कौन से महत्वपूर्ण थीम्स हैं, उन थीम्स के ऊपर सेशंस रखे गए हैं। इसमें विभागीय सचिवों के द्वारा विभागीय योजनाएं, प्राथमिकताओं, उसके बारे में एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन किया जाता है और उसके बाद जिलाधिकारीगण, मुख्य विकास अधिकारीगण, उन्होंने जो फील्ड में काम किया है उसके संबंध में वो अपना प्रेजेंटेशन करते हैं और साथ ही फील्ड में काम करने के दौरान जो इश्यूज सामने उठते हैं उनका समाधान भी वो करवाते हैं। तो इसमें हम लोगों ने पहले सेशन में ईज ऑफ लिविंग उसका टाइटल दिया था, जिसमें कि हेल्थ, एजुकेशन, इन सेक्टर्स को कवर किया गया था और इसमें विभागीय सचिवों ने अवगत कराया कि क्या प्राथमिकताएं हैं और उसके बाद से जिलाधिकारियों के द्वारा भी बताया गया है। साथ ही शिक्षा सचिव द्वारा बताया गया कि स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए वर्चुअल क्लास, सुपर 100, आनंद कार्यक्रम, जिज्ञासा आदि नवाचार किए गए हैं। विद्यालय शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप, मानव संसाधन, गुणवत्ता परक शिक्षा, इनोवेटिव प्रैक्टिसेस, आवासीय हॉस्टल, छात्र कल्याण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।